इस टॉपर सवाल है आपका, पूछिए। टाटा मोटर पे है। हेलो, जी जी ओके, कितना समय दे सकते हैं आप? 3 इयर्स। चलिए, आपको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है और आपकी खरीद भाव 275 थी। काफी अच्छे समय पर लिया, और उसके बाद हमने देखा टाटा मोटर्स जिस तरीके से एक के बाद एक नए लेवल्स छू रहा है। अच्छा मुनाफा आपको भी हो रहा है टाटा मोटर्स पर। रत्नीश जी, आपसे सवाल होगा, अब 3 साल का समय और दे सकते हैं, कोई चिंता वाली बात है? रुक जाए या फिर थोड़ा मुनाफा बुक करने की राय देंगे आप? टाटा मोटर में हालांकि इनका नजरे तो काफी लंबा है, 3 साल का, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पर फिर भी मैं तो इनको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पार्शियली मुनाफा जरूर यहाँ पे बांध ले, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है काफी अपने लेवल्स और काफी की एवरेजेस से, तो एक थोड़ा पार्शियली मुनाफा बांध ले, बाकी इसमें 560 रुपए के स्टॉप लॉस से बैठे रहे। 3 साल का नजरिया तो काफी अच्छा लंबा नजरिया है, तो बिल्कुल इनको और मुनाफा यहाँ से आते हुए दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं है, टाटा मोटर्स अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है आपका, बढ़िया मुनाफे पर भी हैं। चाहे तो आधा, अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है चाहे तो आधा मुनाफा आप बुक भी कर सकते हैं, और 3 साल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टाटा मोटर्स में बने रह सकते हैं। फिलहाल इस शेयर में थोड़ी सी रौनक रही है, 52 वीक हाई 155 रुपये के आसपास का, उसके आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और हम मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे कुछ दिनों पहले, तो वो भी काफ़ी अच्छा साउंड कर रहे थे। एक राय जरा इस पर रत्नीश जी, पहले मन इंफ्रा पर दीजिए, फिर बाकी अपने दर्शक के सवाल को लेंगे। मन इंफ्रा 146 का भाव है, अच्छी तेज़ी, इस भाव पर लेना है या फिर थोड़ा नीचे आए तो? मान इंफ्रा में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था यहाँ पे जुलाई महीने में, और अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली थी रिसेंटली। एक हाई से थोड़ा सा करेक्शन भी हो चुका है इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने जो करेक्शन लेना था वो ले लिया। काफी अच्छा सपोर्ट लेवल 130 रुपए का था, वहां से इसने रिवर्सल लिया, तो मेरे हिसाब से एक नई एंट्री अगर किसी को लेना है तो बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हैं 130 रुपए का स्टॉप लॉस से। किसी के पास पुराना है वो भी होल्ड कर सकता है 130 रुपए के स्टॉप लॉस से। मुझे ऐसा लगता है इसमें हमको बहुत ही जल्दी टारगेट कहीं ना कहीं 175 रुपए तक के लिए देखना होगा। करने की सलाह है, नया भी नई खरीदारी भी इस शेयर में कर सकते हैं, ऐसा रत्नेश जी का व्यू है।